नमस्कार, मैं न्यूज ऑफ महाराष्ट्र के इस एपिसोड में सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे नींद न आए हो, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ कुकू खो गया, न जाने कहाँ कुकू खो गया, तारा न जाने कहाँ कुकू खो गया, न जाने कहाँ कुकू खो गया। क्या है, मेरे एक मित्र है, उसकी अभी भी शादी हुई है और दोनों ही पति पत्नी नौकरी वाले हैं। सुबह 8 बजे से निकलते हैं और शाम को 8 बजे घर वापस आते हैं। उनके घर पर एक कुक था, ठीक है ना, कुक था। वो कुक काम छोड़कर चला गया तो दोनों की ऐसी हालत हो गई। वो क्या है कि पहले दो तीन हफ्ते तो आराम से निकल गए, उन्होंने निकाल लिया, जैसे कभी मैगी सूप बनाया, कभी रेडी सूप बनाया, ऐसी काम चलाया। लेकिन बाद में दोनों जन उब गए। एक दिन दोनों घर आने के बाद आपस में झगड़ गए और पति बोला पत्नी से कि दोनों की नई नई शादी हुई थी कि ऐसा कैसे चलेगा, कुछ तो बनाना चाहिए खाने के लिए, खाने के लिए कुछ तो बनाना चाहिए ना तुम्हें, ये सब क्या है, अरे आखिर तुम औरत जात हो। ऐसा बोला उसने तो उसकी पत्नी ने उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकल दिया। 8 दिन तक बाहर रहा, 8 दिन तक वो मेरे साथ रहा। हाँ, मैंने क्या किया, उसको टेम्परेरी ऐसा कुछ बनाना सिखाया जिसको खाकर वो जिंदा रहे इस जमीन पर। और उधर क्या हुआ, उसकी जो बीवी थी, उसकी एक सहेली ने उसकी बीवी को अपने पास बुलाया और उसे कुछ डिशेस बनाना सिखाया। और फिर दोनों साथ में बैठे और मैं बीच में बैठा, बीच में सुलह कराने वाला। मैंने दोनों की सुलह करा दी और दोनों साथ में रह रहे हैं। उसकी बीवी भी नई नई डिशेस सीख रही है और वो भी नई नई डिशेस सीख रहा है, नौकरी चल रही है। अब सच्चाई क्या है, झगड़ा करने से अच्छा है खाना बनाना आना चाहिए, ऐसा मेरा और उसका भी विचार है। और क्या है कि शुरुआत में जब मैं आया था, मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से आए और मुंबई में रहने लगे, आकर नाटकों में काम करने लगे, सीरियलों में काम लगे, फिल्मों में काम करने लगे। और वो लोग यहाँ आए थे मुंबई के बाहर से और यहाँ आकर उन्हें अपना इंतजाम खुद करना पड़ा। और शुरुआत में तो उन्हें मजा आया कि हम लोग इंडिपेंडेंट है, यू नो, इंडिपेंडेंट मतलब बाहर जाकर पार्टी करो, बाहर किसी होटल में खाओ, ऐसा उनका चलने लगा। 3-4 महीने तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में उनको लगा बहुत दिन हो गए माँ के हाथ का दाल चावल नहीं खाया ऐसा उन्हें लगने लगा। फिर उन लोगों ने सीखा और फिर सीखकर खुद बनाकर खाना खाने लगे। मतलब मेरे सर्कल में कुछ ऐसे भी दोस्त लोग हैं जो अपना डब्बा लेकर बाहर निकलते हैं सुबह सुबह शूटिंग में जाते समय, और फिर इंटरवल में मतलब लंच ब्रेक में अपना डब्बा खोलकर बैठ जाते, बोलते भाई मैं तो पूरी भाजी लाया हूँ, पूरी भाजी खाऊंगा। ऐसा 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 परिवर्तन आता जा रहा है। ऐसी ही मेरी एक दोस्त सांगली से यहाँ आई है, आज के शो में मैंने उसे बुलाया है। बहुत ही होशियार है, टैलेंटेड है और एकदम अकेली है, इसलिए उनका क्या कहना है देखते हैं, मुझे भी उनसे पूछना है। तो चलिए हम लोग स्वागत करते हैं सिया पाटिल का, तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताओ तुम मूल रूप की? बेसिकली मैं सांगली से हूँ। एक्चुअली जो हमारा पोस्ट है वो राजावाड़ी तालुका आठमाड़ी और जिला सांगली। अच्छा। मेरे पापा किसान थे, 4 महीने पहले गुजर गए। माँ हाउस वाइफ है। ओके। और मैं और मेरी दीदी है जो पुणे में रहती है। अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम्हारी स्कूल की शिक्षा कहाँ तक हुई? एक्चुअली आई होल्ड अ मास्टर्स इन कॉमर्स। मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया है। 5वीं क्लास के बाद मैं पुणे चली गई। पुणे में कहाँ रहती थी तुम? पुणे में मैं हॉस्टल में रहती थी, हुजूर बाबा। अच्छा, अच्छा कैसा है वो हॉस्टल? अच्छा है ना? बहुत अच्छा हॉस्टल है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर तुम्हारी पूरी स्कूल की शिक्षा हुई? हाँ हाँ। उसके बाद तुमने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया? कॉलेज भी मैंने हुजूर बागा से ही किया। अच्छा? इसके बाद मैं कमिंस में गई कंप्यूटर इन डिप्लोमा कोर्स में, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स मैंने कम्प्लीट किया कमिंस से। अच्छा। और इसके बाद मैंने एम कॉम एक्सटर्न किया। फर्स्ट क्लास हासिल किया मैंने। क्या बात है। और ये मेरा बायोडाटा है। तो सबसे पहले सिया मैं तुम्हारा दिल से स्वागत करता हूँ। तो सिया, करियर इतना अच्छा तुमने अपनी मेहनत से बनाया, बराबर है? अब मुझे बताओ कि अदर एक्टिविटीज, जैसे तुम्हारी दूसरी एक्टिविटीज जैसे अभिनय, डांस, सिंगिंग, ये सब जो अदर एक्टिविटीज है, इन सब में तुम कैसे आ गई? ऐसा कभी सोचा नहीं था कि अभी करूंगी या फिर मॉडलिंग करूंगी, ऐसा तय नहीं था। मुझे इंस्पेक्टर बनना था। मैंने 3 साल के लिए पुलिस आर्मी का कोर्स भी किया है। कराटे ब्लैक बेल्ट होल्डर हूँ मैं। मेरा कुछ अलग ही लक्ष्य था, कुछ और ही सोचा था मैंने, लेकिन डेस्टिनी मुझे यहाँ खींच ली। बस अच्छा। ऐसा ही सब कुछ होता गया। Now you are in this field, तो मुझे तुम बताओ कि फिलहाल तुम क्या क्या कर रही हो? अब मैं एक सीरियल कर रही हूँ वारिस नाम का, जी मराठी के लिए। 6:30 बजे आती है रोज। अच्छा। और मेरी एक फिल्म रिलीज हुई चल धड़पकड़, और 4 फिल्म रिलीज होने वाली है। और बस वारिस बस एक ही जोरदार चल रही है वारिस। अच्छा, अब जरा हम खाने पीने की तरफ चलते।
माँ ने तुम्हें कभी क्या किचन में घुसने दिया था? मैं पांचवी क्लास के पहले की बात कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ तो याद होगा ना? नहीं, जब माँ रोटी बनाती थी, मतलब जो लास्ट की रोटी थी वो मुझे बेलने के लिए देती थी। अच्छा। कि एक रोटी तुम करो, इसलिए मैं अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा ओके।